हेलो द्रौपदी, आज हम निफ्टी 50 के जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है बजाज फाइनेंस। आज तारीख है 21 दिसंबर 2021 और बजाज फाइनेंस जो है 0.85% नीचे गिर गया है। तो चलिए इसके बारे में हम और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हम ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और मैंने ओपन किया है बजाज फाइनेंस जो कि निफ्टी 50 का एक बाजार स्टॉक है। अगर हम इसके 1 वीक की रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में ये जो निफ्टी 50 का दमदार स्टॉक है और NBFC है ये 8.39% नीचे गिर चुका है। इसके ग्राफ को देखिए, निफ्टी 50 एक हफ्ते में काफ़ी गिरा है और बजाज फाइनेंस भी निफ्टी 50 को फॉलो करते हुए लगभग 8.39% गिर चुका है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में बजाज फाइनेंस 12.21 12.21% गिर चुका है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में बजाज फाइनेंस ने जोरदार 25% का रिटर्न दिया है। अगर हम किसी भी अच्छे बैंक में FD करते हैं तो 1 साल में हमें 5 से 6% से ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन 1 साल के दौरान बजाज फाइनेंस ने 25.8% का जोरदार रिटर्न दिया है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने 151 पॉइंट, अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की तारीख में आपके पास 2.5 लाख रुपए होते, मतलब कि आपका धन जो है 1.5 गुना हो गया होता। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ये आपके निवेश को 3 साल में 1.5 गुना कर रहा है। वहीं अगर आप किसी बैंक में FD करते हैं तो आपके धन को दुगना होने में ही 10 से 11 साल का समय लग जाता है। तो इस तरह से अगर हम सोचें तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक खरीदने में काफ़ी समझदारी है, बल्कि हम किसी बैंक में FD करें। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो देखिए, 5 साल में तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ये है 711.04, मतलब ये आपके निवेश को 7 गुना कर दिया है 5 साल में। तो ऐसा रिटर्न केवल बजाज फाइनेंस ही आपको दे सकता है और कहीं नहीं। तो बजाज फाइनेंस में निवेश करना चाहिए। इसके चार्ट को देख कर हम समझ सकते हैं कि ये चार्ट एक मल्टी लेवल स्टॉक का चार्ट है, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। अगर ये कभी नीचे गिरता है तो कुछ समय बाद ये उससे भी ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे गिरता है तो उससे कई गुना ऊपर जाता है। तो देखिए, इसमें 20 फरवरी 2020 को भारी गिरावट हुई थी, लेकिन उस गिरावट के बाद ये 3-4 गुना और ऊपर गया है। तो इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को भी देख कर ये समझ में आता है कि इसमें बजाज फाइनेंस में हर गिरावट में इसमें निवेश किया जाना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए ओवरव्यू देखते हैं इस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस है। तो बजाज फाइनेंस का आज लो 6,540 रुपीज़ है और आज का हाई जो है 6,750 रुपीज़ है, और आज के दिन ये स्टॉक अपने टुडेज लो के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका 52 वीक लो देखें तो ये है 4,362 रुपये, और वही 52 वीक हाई है 8,050 रुपीज़। तो अभी इसको अगर आप देखेंगे तो ये 52 वीक लो और 52 वीक हाई के लगभग बीच में आ गया है। इससे पता चलता है कि इसमें निवेश करना अब समझदारी का काम हो सकता है, ये अपने 52 वीक से काफ़ी नीचे गिर चुका है। अगर हम एनालिस्ट की माने तो एनालिस्ट जो हैं इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 45% जो एनालिस्ट हैं इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 28% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और केवल 28% जो हैं एनालिस्ट इसमें सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें बाई की रेटिंग बनी हुई है। एनालिस्ट का भी कहना है कि स्टॉक में खरीदारी करके चलनी चाहिए। चलिए अब बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल को समझते हैं।
बजाज फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप जो है 3,99,739 करोड़ का है। इसका पी देखेंगे तो P90 है। इसके पी से पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत ही महंगा है और इसके महंगा होने का कारण ये है कि बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, अपने निवेशकों को खुश कर देता है। अपने निवेशकों का धन इसने 5 साल में ही 7 गुना कर दिया। ऐसा स्टॉक बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे स्टॉक जो हैं महंगे मिलते हैं, सस्ते में नहीं मिलते। अगर कोई भी आप अच्छा स्टॉक लेने जाएंगे तो उसका पी हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ग्रोथ स्टॉक है और इसने भारी भरकम रिटर्न दिया है और निवेशकों को इस स्टॉक पर पूरा भरोसा है। तो ऐसे स्टॉक सस्ते में नहीं मिलते, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गिरावट होती है तो निवेशक इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसको खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं, इसको खरीदने का इंतजार करते हैं, इसकी गिरावट का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे स्टॉक आपको सस्ते में नहीं मिल सकते। इसका पीबी जो है 10.081 है। इसका मतलब ये है कि बजाज फाइनेंस अपनी बुक वैल्यू से 10 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और इसके पीछे कारण ये है कि बजाज फाइनेंस एक क्वालिटी वाला स्टॉक है, तो इस स्टॉक को लोग मनमाने पैसा देने पर भी खरीदने के लिए तैयार हैं, महंगा में भी माल उठाने के लिए तैयार हैं। इसलिए स्टॉक का कीमत चाहे जितना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 12 गुना हो जाए, लोग इसको खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टर इसके पीछे पड़े हैं, इस स्टॉक में जोरदार पैसा लगा रहे हैं। इसीलिए इसका पीली रेशियो 10.81 हो गया है। इसका इंडस्ट्री पी 58.18 है। तो देखिए बजाज फाइनेंस जो है अपनी इंडस्ट्री पी से लगभग दोगुने पर ट्रेड कर रहा है। अपनी ग्रोथ स्टोरी के कारण, अपनी काबिलियत के कारण, अपनी क्वालिटी के कारण इसका आरओई जो है 12.77% है, जो कि अच्छा माना जाएगा। इसका ईपीएस जो है 82.05 है। इसके डिविडेंड यील्ड कम है, 0.15% है, क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक का डिविडेंड यील्ड हमेशा ही कम होता है, क्योंकि ये अपना पूरा प्रॉफिट जो है ग्रोथ पे ही लगा देते हैं। ये इन्वेस्टर को डिविडेंड देना बहुत कम पसंद करते हैं। इसकी बुक वैल्यू जो है 647.25 रुपीज़ है। चलिए अब इसकी फाइनेंशियल पर नजर डालें। अभी हमने जो फाइनेंशियल इसका ओपन किया है वो क्वार्टरली है, तो इसको देखकर आपको पता चल रहा है कि रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी से बढ़ रहा है, नेटवर्थ जो है इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम ईयरली की बात करें, नेटवर्थ इसका बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रहा है। आप भी इसका बार चार्ट देखकर समझ सकते हैं कि इसका नेटवर्थ कितना तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इसका रेवेन्यू भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक में तो निवेश करना ही चाहिए। अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। द कंपनी इज एंगेज इन लेंडिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो बजाज फाइनेंस एक NBFC है, मतलब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये लोगों को लोन देने का काम करती है। इट फोकसेस ऑन कंज्यूमर लेंडिंग, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, SME लेंडिंग, कमर्शियल लेंडिंग, रूरल लेंडिंग, फिक्स डिपॉजिट एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो बजाज फाइनेंस मुख्य रूप से कंज्यूमर को उधार देती है, लोन देती है, या सभी प्रकार के व्यापारियों को लोन प्रदान करती है, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, और ये फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं। तो ये कस्टमर से फिक्स डिपॉजिट लो इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पर ये जो है लोन देते हैं, और यही इनसे कमाई करने का मुख्य तरीका है, व्यवसाय है। वैल्यू एडेड सर्विसेज, इट्स कंज्यूमर लेंडिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर फाइनेंस। ये जो है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए लोन देते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंस, डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइनेंस, रिटेलर फाइनेंस, सैलरीड पर्सन लोन्स, ई कॉमर्स कंज्यूमर फाइनेंस, ई कॉमर्स सेलर फाइनेंस एंड होम लोन। तो
विभिन्न प्रकार के लोन प्रदान करते हैं, सभी प्रकार के लोन प्रदान करते हैं। ये पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं, व्यापारियों को और कस्टमर दोनों को ही लोन देते हैं। सिर्फ SME लेंडिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देते हैं, एंड बिजनेस लोन भी देते हैं। इट्स कमर्शियल लेंडिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट में भी लोन देते हैं। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप लेंडिंग बिजनेस के बड़े बड़े व्यापारियों को कंपनियों को भी लोन प्रदान करते हैं। इट्स रूरल लेंडिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड पर्सनल लोन्स, क्रॉस सेल सैलरीड पर्सनल लोन्स एंड गोल्ड लोन्स। तो ये विभिन्न प्रकार के लोन प्रदान करते हैं, जैसे गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, सैलरीड लोन्स। इट ऑफर्स रिटेल फिक्स डिपॉजिट्स एंड होलसेल फिक्स डिपॉजिट्स। तो यह लोगों के आम कस्टमर के आम ग्राहकों से फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, जिससे कि कम ब्याज दर पर वो लोगों से पैसा ले लेते हैं और इसी पैसे को वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर दूसरों को देते हैं। मतलब ये एक तरह से कमीशन खाते हैं। इट इज इंगेज लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज कल ये इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, जनरल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। तो इनके बहुत सारे व्यवसाय हैं, धंधे हैं, जिससे कि ये मार्केट में अब जम चुके हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री राजीव जैन। ये कंपनी जो है स्थापित हुई थी 1987 में, तो यह जो है 35 साल पुरानी कंपनी है। इसका NSE सिंबल जो है बजाज फाइनेंस है। और चलिए अब इसके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो 2 सितंबर 2021 में इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 56.03% है, जो कि यह दिखाता है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत अधिक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें जमकर खरीदारी की है, जमकर होल्डिंग लेके रखी है और वो है 23.64%। रिटेल एंड अदर्स इन्वेस्टर्स ने भी इस पर होल्डिंग लेके रखी है और वो है 12.20%। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें अच्छी खासी खरीदी की है, जैसे कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इसमें 9.79% की होल्डिंग है, एक्सिस फोकस्ड 25 इसमें 9.66% की होल्डिंग है, एक्सिस ब्लू चिप फंड 9.50%, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड 9.22%। तो बजाज फाइनेंस एक ब्लू चिप कंपनी है, NIFTY 50 का एक स्टॉक है और एक ग्रोथ स्टॉक है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड ने भी इस पर होल्डिंग लेके रखी है और उनकी होल्डिंग 9 से 10% है। तो इस प्रकार भी आप अपने पोर्टफोलियो का 10% जो है बजाज फाइनेंस में एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 रुपए के आप बजाज फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं और लंबे समय में 3 से 5 साल में इस रूप से यह आपका धन दुगना तिगना चार गुना भी कर सकता है। जैसे कि पिछली 5 परफॉर्मेंस है, पिछले 5 साल में पैसा 7 गुना कर दिया है। तो इसको लेकर आप 3 साल या 5 साल के लिए इंतजार करिए, निश्चित रूप से आपका पैसा जो है डबल होगा। तो इस प्रकार से स्टॉक के बारे में उसके फाइनेंशियल और टेक्निकल जानने के लिए आसान शब्दों में हिंदी में समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वे स्टॉक मार्केट के बारे में हिंदी में जान सकें, सरल भाषा में जान सकें, उसको समझ सकें। अपने डाउट्स को कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उसके लिए अगर आवश्यकता हुई तो अगले वीडियो भी बनाऊँगा। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, किसमें बाई करना है, किसमें करना है, कब खरीदना है, तो ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और हमेशा मैं स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स की वीडियो बनाता हूँ, उसको देखिए, उसको समझिए और कुछ ही सालों में आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आप इससे बेहतर कमाई कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।